आज हम हमारा मिडिन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा लेसन फ्रीक्वेंसी। लेसन फ्रीक्वेंसी यानी से कम बारंबारता। इससे पहले हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट पढ़ा था, जिसे नहीं पढ़ा हो वो एक बार पिछले वाली वीडियो को जरूर देख लेना। अब हम बात करते हैं सीधा लेसन फ्रीक्वेंसी हमारी कैसे बनती है। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। यहाँ पर देखो आपकी क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और आपको यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है क्वेश्चन में वो है 8, यहाँ पर आपको है 10, यहाँ पे की 7 और 6, ऐसे ये यहाँ पर क्वेश्चन है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया मिलेगा और आपको बोला जाएगा इसको आप लेस देन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो। ये जो लेस देन और मोर देन जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो आपकी हमेशा कंटिन्यूस सीरीज से ही बनते हैं, जिसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन होते हैं। क्लास इंटरवल से ही हम अपना लेस देन और मोर देन को कन्वर्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इसको करना कैसे है। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में जो आपको जो सबसे पहले पे जो लिमिट आती है, जो सबसे पहले का जो वर्ग होता है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो उसका बाद वाली वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा। ऐसे ही सेम इसमें, इसमें जो आपकी 20 होगी वो लोअर लिमिट, 30 जो होगी वो आपकी अपर लिमिट होगी, और यहाँ पर 30 लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है लेस देन फ्रीक्वेंसी में से कम बारंबारता में, हम हमेशा अपनी अपर लिमिट को काउंट करेंगे, हमें अपनी अपर लिमिट को लेना है। तो अब यहाँ पर वर्णन शुरू करते हैं। तो लेस देन क्लास इंटरवल आपका क्या होगा, तो फर्स्ट पे आपका आएगा लेस देन, तो इसकी अपर लिमिट हमारे क्या है 20, तो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। अब लेस देन क्लास इंटरवल को जब आपने बना लिया तो उसके बाद आपको उसकी बनानी है सीएफ। सेम ऐसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था, सेफ का मतलब क्या होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे बनेगी, जो पहले वाली वैल्यू है उसको आप ऐसे ही रख दो, फिर नेक्स्ट में आप 8 में 10 को प्लस करो तो 18 हो गया, 18 में 7 को प्लस करो 25 हो गया, और 25 में 6 को प्लस कर दो आपका 31 हो गया। अब आपको देखना है कि आपका जो आपने जो सेव बनाई वो सही बनाई गलत बनाई, तो उसको भी आप एक बार जांच सकते हो कि क्या आपने सही बनाया गलत। तो आपका आएगा फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी का ऊपर टोटल करके देखो तो 8 प्लस 10 आपको कितना होता है 18, प्लस 7 25, प्लस 6 25 और प्लस 6 आपका बनता है 31। तो आपका जो सिग्मा एफ है वो क्या निकल के आया हमारा 31, सिग्मा एफ 31 है, और यहाँ देखो आपको जो सी एफ वो भी 31 है। दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सही है, क्योंकि लेस देन क्लास इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका सिग्मा एफ होता है, सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन की ये वाली फॉर्म दी होती है लेस देन वाली, और आपको बोल देता है उसकी नॉर्मल फॉर्म में आप काउंट करो, उसको नॉर्मल फॉर्म निकालो। लेस देन क्लास इंटरवल देगा, और जब भी लेस देन क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसके साथ जो आपकी सीएफ गिवन होगी उसके साथ जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो हमेशा आपकी सीएफ होती है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो उसको एक बार हम देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले अगर अब हम अपने इस एग्जाम्पल को हटा देते हैं, और हम हमारा एग्जाम्पल रहेगा ये वाला। अब इसे आप नॉर्मल अपने क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेम हमारे क्लास इंटरवल, अब हमें पता है कि जब भी हम लेस देन लेते हैं तो लेस देन में हम अपर लिमिट लेते हैं, तो सबकी एक बार अपर लिमिट लिख लो 30, 40 और 50। और हमें ये भी पता है कि जो फर्स्ट वाले की अपर लिमिट होती है वो सेकंड वाले की लोअर लिमिट होती है 20, 30, 40, 10। अब आप इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाए तो हम कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही
पहले इसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू उसको आप ऐसे का ऐसे रख लो। अब हमने क्या, जब हमने सीएफ को किया तो हमने क्या किया था, उसको प्लस किया था। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो आप ये देखो सेकंड पॉइंट में फ्रीक्वेंसी कितनी, 18 में से आप 8 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 10। अब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 25 में से अगर आप 18 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 7। अब यहाँ पर आपका कितना, 31 में से अगर 25 आपने माइनस किया तो आपका कितना रिजल्ट आ गया, 6। एक बार अपने वीडियो को पीछे बैक करके देखा तो हमने जो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो हमारे क्वेश्चन की सेम यही इक्वेशन थी। तो आपको इसी तरीके से आप देखो, मान लो इसको हम फिर से भी जांच कर सकते हैं। अब जैसे मान लो देखो इसका जो टोटल आएगा वो 31 आएगा, यहाँ पर भी आपको गिवन कितना है, 31। दोबारा देखो अगर इसे इसको रिवर्स करके देख लो, 8 + 10 = 18, 18 + 7 = 25, 25 + 6 = 31। तो इसमें आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपको जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वैसे बनाना, ये लेस देन को नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहा है, नॉर्मल को लेस देन में कन्वर्ट कर रहा है। कई बार यहाँ से आपको ग्राफ का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका लेस देन और मोर देन आपको ग्राफ बनाना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा अगला टॉपिक रहेगा मोर देन फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम लेस देन और मोर देन का ग्राफ बनाना सीखेंगे और ग्राफिकली हम कैसे मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।